आखिर क्या वजह है कि मनीषा रानी जो है वो अभिषेक प्रसाद पर काफी ज्यादा भड़की हुई है, और आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसके बाद उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि शायद लगता है तो मुझे और एलविश को कुछ समझता ही नहीं है। को बता दूं कि ये जो वीडियो है जिसमें मनीषा रानी सारी चीजें बोल रही है बहुत वायरल हो रहा है इस समय, तो आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट और दिखाते हैं आपको वीडियो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूँ आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश खांडो। अगर देखा जाए चाहे वो मनीषा हो, चाहे वो एलविश हो, चाहे वो अभिषेक हो, इन तीनों को ही जनता का बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, पब्लिक सपोर्ट मिला है, और यही वजह है कि शायद ये तीनों यहाँ तक पहुँचे हैं। बाकी इस बार बिग बॉस के घर में जो चीज़ हम सबने देखी थी, टीवी वर्सेस नॉन टीवी यानी कि टीवी वर्सेस यूट्यूबर्स, ये हो गया था इंडस्ट्री वर्सेस यूट्यूबर्स, या अपोजिट में जो वॉर चल रही थी, जो फाइट हो रही थी इन दोनों के आपस में, जिस पे बाहर आकर अविनाश ने भी चीज़ कही कि देयर्स इज जस्ट अ कम्युनिटी, आवर्स इज अ इंडस्ट्री। तो ये जो स्टेटमेंट्स थे ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक लोगों को गलत भी लगे, कुछ लोगों को सही भी लगे, लेकिन इस समय बिग बॉस के घर में आप सब जानते हैं कि लोग एक एक करके गेस्ट आ रहे हैं। जैसे कल बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स और ट्रैवल ब्लॉगर्स आए थे, आज भी एक गेस्ट को बुलाया गया, आरजे मावश को, और उन्होंने आते ही जिस तरीके से लोगों के बोलते हैं ना भाई मुंह से खींचकर बातें निकलवाई है कि आप किसको टॉप फाइव समझते हो, आप किसको विनर मानते हो, ये सारी चीज़ें, विनर वाला सवाल तो उन्होंने ऑलमोस्ट सबसे पूछा, और यही सवाल जब उन्होंने मनीषा से पूछा तो मनीषा का कहना था कि आप किसको विनर मानते हो अपने अलावा, जिसके बाद आप किसको विनर मानते हो, जहाँ पर मनीषा कहते हैं कि शायद एलविश या अभिषेक को, एलविश से पूछा गया तो एलविश कहते हैं कि मनीषा या अभिषेक को, और यही चीज़ जब अभिषेक से पूछी गई तो अभिषेक कहते हैं कि मैं, उसके बाद मनीषा या एलविश, जिसके बाद ये वीडियो जो है ये बहुत वायरल हो रहा है। मैं पहले वीडियो आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो। एलविश ने बोल दिया कि हाँ मेरे हाथ में रहता तो इसको दे देते ट्रॉफी, अब इसको लग गया अरे बाप रे, अब एलविश बोल दिया तो हम मनीषा कैसे नाम ले सकते, लो हम भी एलविश का। आई वांट ऑनेस्टी फ्रॉम यू, नॉट ऑल दिस। एलविश ने बोल दिया कि हाँ मेरे हाथ में रहता तो इसको दे देते ट्रॉफी, अब इसको लग गया अरे बाप रे, अब एलविश बोल दिया तो हम मनीषा कैसे नाम ले सकते, लो हम भी एलविश का। तो इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, इस पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।